हेलो दोस्तों, मैं हूं जावेद प्रताप गढ़ी और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो पर। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में मैं बताने और दिखाने वाला हूं एक फैमिली के लिए कंप्लीट मॉडर्न हाउस डिजाइन स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है एक कमेंट और एक लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट किया जाए। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे अपने पास घर के डिजाइन का एक नक्शा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो रेड कलर से हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, ये हमारे पूरे फ्लॉट का एरिया है। दोस्तों चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये पूरा फ्लॉट हमारा कितने बाय कितने का है और हमारा घर कितने बाय कितने में बनने वाला है। तो 1 सेंटीमीटर = 2 फीट। तो अब हम देख लेते हैं इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई कितनी होने वाली है। तो स्केल की मदद से हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, ये है हमारा 20 सेंटीमीटर, आपको दिख रहा होगा दोस्तों 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर = हमने 2 फीट माना है, तो 20 सेंटीमीटर हमारी लंबाई है, तो ये हो जाएगा 40 फीट, ठीक है दोस्तों। हमारे फ्लॉट की जो लंबाई है वो है 40 फीट। अब हम देख लेते हैं इसकी चौड़ाई कितनी है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है 0, 0 से हम नाप रहे हैं इसे, तो ये कितना सेंटीमीटर का बन रहा है दोस्तों, ये हो रहा है 17.5 सेंटीमीटर। आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये हमारा है 17.5 सेंटीमीटर। 17.5 सेंटीमीटर को अगर हम फिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 35 फीट, ठीक है दोस्तों। तो अब हमारे प्लॉट की जो मतलब चौड़ाई और लंबाई होने वाली है वो होने 35 बाय 40 फीट का हमारा टोटल एरिया है। और ये है हमारा मेन गेट जिससे हम घर के अंदर आएंगे। तो घर के अंदर आने से पहले हमने दोस्तों एक गार्डन एरिया या फिर पार्किंग एरिया कह सकते हैं आप, एक गार्डन और एक पार्किंग एरिया दिया हुआ है। तो इस रास्ते से हम जाने वाले हैं मेन गेट के अंदर लिविंग एरिया में। और हमने जो सीढ़ी है दोस्तों वो हम बाहर से ही दे रहे हैं, ये आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ, ये बाहर से ही हमने छत पर जाने के लिए आपको दिया हुआ है। और सीढ़ी के नीचे हमने एक स्टोर रूम भी बनाया है जो कि आपको वीडियो में देखने को मिलेगा किस तरह से हमने स्टोर रूम को बनाया हुआ है। दोस्तों जैसे कि घर में जो अलमारियाँ होती हैं उसमें दरवाजे या फिर किवाड़ियाँ लगी होती हैं, तो ठीक उसी प्रकार हमने इसे फर्नीचर के टाइप का एक स्टोर रूम बना दिया है, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं मेन घर के अंदर। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे घर में जाने से पहले हमें एक गैलरी दिख रही होगी दोस्तों, ये गैलरी आप देख पा रहे होंगे। तो अब हम देख लेते हैं इसकी चौड़ाई कितनी है दोस्तों। ये हमारी गैलरी है 1, 2, 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर को अगर हम फिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर = 2 फीट, तो ये हमारा हो जाएगा 6 फीट। 6 फीट की हमारी गैलरी की चौड़ाई है दोस्तों। ये है हमारा मेन गेट। अब मेन गेट से हम जाएंगे लिविंग एरिया में। तो अब हम देख लेते हैं जो हमारा लिविंग एरिया है वो कितने बाई कितने का होने वाला है दोस्तों। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई को नापते हैं, ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये है 8 सेंटीमीटर। ये देखिए दोस्तों, ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसकी लंबाई को नापते हैं, इसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर, आप देख रहे होंगे। तो ये हो गया हमारा 16 बाई 14 का हमारा जो है ये है लिविंग एरिया। अब हम लिविंग एरिया के ठीक सामने देख पा रहे होंगे दोस्तों किचन है हमारा। हम देख लेते हैं कि हमारा किचन कितने बाई कितने का है दोस्तों। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई नापते हैं, इसकी चौड़ाई है 5.5 सेंटीमीटर और इसकी जो लंबाई होने वाली है वो है 4.5 सेंटीमीटर। अगर हम इसको फिट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे जो किचन का है एरिया वो होने वाला है 11 फीट बाई 9 फीट का, 11 बाई 9 का हमारा किचन होने वाला है। उसके बाद हम किचन से बाहर आएंगे। अब हम बेडरूम की तरफ जाने वाले हैं, तो दोस्तों हमें फिर से एक गैलरी दिख रही होगी। इस गैलरी की जो चौड़ाई होने वाली है वो कितनी है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर को अगर हम फिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 फीट का दोस्तों, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारा पहला बेडरूम जो है वो कितने बाई कितने का है। तो 5.5 सेंटीमीटर हमारे बेडरूम का चौड़ाई है और 6 सेंटीमीटर हमारे बेडरूम की लंबाई है। तो ये होने वाली है 11 बाई 12 का। जो हमारा पहला बेडरूम है वो हो गया 11 बाई 12 का। अब हम देख लेते हैं जो हमारा मास्टर बेडरूम है वो कितने बाई कितने का है। चौड़ाई हो गई 5.5 सेंटीमीटर
और इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो करीब 6.5 सेंटीमीटर की है। तो अगर हम फिट में कन्वर्ट करेंगे तो 11x13 का होने वाला है। अब हम देख लेते हैं, हमारे मास्टर बेडरूम से एक अटैच टॉयलेट बाथरूम जुड़ा हुआ है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो इसकी सबसे पहले हम देख लेते हैं चौड़ाई कितनी है दोस्तों। इसकी चौड़ाई है 4 फीट 4 सेंटीमीटर और लंबाई है 2 सेंटीमीटर। 5x6 का हमारा कॉमन टॉयलेट बाथरूम है और अटैच टॉयलेट बाथरूम है वो है 8x4 का हमारा अटैच टॉयलेट बाथरूम है। तो दोस्तों ये थी पूरी नक्शे की डिटेल वीडियो। अब हम इसको देख लेते हैं दोस्तों कि अगर इसे हम 3D में अगर बनाते हैं एलिवेशन में देखने पर किस तरह से हमारा घर दिखने वाला है दोस्तों। इसके ऊपर भी हमने जो सेकंड फ्लोर का बनाया हुआ है दोस्तों, उसमें सिर्फ दो रूम है, दो रूम बनाए हुए, एक इस वाले रूम के ऊपर है और एक यहाँ पे है। तो जो यहाँ पे है दोस्तों वो है हमारा 11x11 का रूम, और जो यहाँ पे है दोस्तों वो जितना हमारा लिविंग हॉल है, लिविंग एरिया है, ठीक उतना ही है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं इसे 3D में देखने पर हमारा घर किस तरह से दिखने वाला है दोस्तों। तो चलिए अब हम 3D में देखते हैं दोस्तों।